नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार क्षेत्र में पहुंचे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर हार की शिकंद साफ देखने को मिली। लोगों से बातचीत करते समय उन्होंने लगातार इस बात का उल्लेख किया कि 17 साल तक लोगों की सेवा करते रहे, फिर भी शायद उनमें कोई कमी हुई होगी जिसके कारण ये परिणाम आए। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि नए सांसद क्षेत्र में आते हैं या नहीं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता से मेरा पारिवारिक संबंध है, उनके सुख के समय भले ही ना आ पाऊं मगर दुख में जरूर उनके साथ होता हूं। आगे इस क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखेंगे या नहीं, इसका जवाब देते हुए सिंधिया भावुक हो गए और कहा कि ये तो आने वाला समय बताएगा। सदैव दौरा करते थे, मैं मुरैना जाऊंगा, भिंड जाऊंगा, मंदसौर जाऊंगा, नीमच जाऊंगा, वहां भी मेरी कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, लेकिन एक पारिवारिक बात। और सांसद रहते हुए आपका हर महीने का दौरा रहता था संसदीय क्षेत्र में, अब आपका दौरा क्या रहेगा? अब आप क्या हर महीने आएंगे? अब इस विषय पर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि दिल में भी पीड़ा है और दुख का समय है, इसलिए मैं उपलब्ध हूँ जनता के लिए। सदैव मैं उपलब्ध था, आज भी हूँ और सदैव रहूँगा। कितने बार मैं दौरा करूँगा ये तो समय ही निर्धारित करेगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कि आप भी क्षेत्र के सदैव संकल्प था, आज भी संकल्प हूँ। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में अशोकनगर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के दो मंत्री और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में खराब हुई फसल का जायजा करने आए। इस दौरान उन्होंने अभी वर्षा और बाढ़ से खराब हुई फसल का निरीक्षण किया। सिंधिया ने निटर गांव में एक खेत की मेड़ खड़े होकर खराब हो चुकी फसल का जायजा लिया। कीचड़ में लिपटने के डर से सिंधिया खेत में अंदर नहीं गए। साथ ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी सांसद डॉक्टर केपी यादव का नाम लिए बगैर सिंधिया ने उन पर तंज कसा कि दुख की इस घड़ी में कौन जनता के पास आता है और कौन नहीं आता, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सिंधिया ने कहा कि मेरा क्षेत्र के लोगों से पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए मैं इनके बीच आया हूं। सिंधिया द्वारा खुद पर तंज कसने और खेत की मेड़ पर खड़े होकर फसल को निरीक्षण करने को लेकर लोकसभा चुनाव में हारने वाले भाजपा सांसद डॉक्टर केपी यादव ने सिंधिया पर पलटवार किया है। डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि सिंधिया को पता ही नहीं कि खेत क्या होता है, फसल कैसी होती है। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने रोड पर खड़े होकर खराब फसल का निरीक्षण कर लिया है। ये ना तो खेत के बारे में जानते हैं जी, ना किसानी के बारे में जानते हैं और ना ही किसानों का दर्द जानते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, माननीय शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे वो कल भी खेत खेत पर पहुंचते थे जहां नुकसान होता था, आज भी खेत खेत में अंदर गए हैं, पर इन्होंने भाई खेत देखे ही नहीं है। तो ये तो खेत क्या, रोडों पे घूमने वाले लोग हैं, रोडों पर ही घूमेंगे और रोड पे ही जनता ले आई है। 17 सितंबर 2019 को नगरीय प्रशासन विभाग सिवनी की समीक्षा बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण शहर सरकार शहर सरकार आपके द्वार योजना सहित निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित स्वच्छता प्रभारी को निर्देशित किया गया कि संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में अभियान चलाकर साफ सफाई की जाए, संपूर्ण शहर गाजर घास से मुक्त रहे और नालियों की साफ सफाई अपशिष्ट निष्पादन की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया। प्रकाश व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि नगरीय क्षेत्र में लगाए गए सभी स्ट्रीट लाइट चालू रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक वार्ड और नगरीय क्षेत्र की सड़कों का निरीक्षण कर बंद पड़ी लाइटों को चिन्हित कर तत्काल सुधार किया जाए। इसी तरह हॉस्पिटल सहित अन्य स्थान जहां बड़ी स्ट्रीट लाइट लगाने की आवश्यकता है उसको चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। आगामी माह में आयोजित होने वाले शहर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविरों में अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तियों को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।